अम्बेडकर चौक वार्ड नंबर 10 गरियाबंद में आंगनबाड़ी पिछले 8 सालों से नहीं था। इस पर मैंने एक वीडियो 2 साल पहले बनाया था। आइए जानते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे इस आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आते हैं, क्या कारण है कि अब तक यहाँ आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पाया है। मोर ना 2006 से नियुक्ति हुई। 7 साल में कितना जगह बदल डाले हो? 7 साल में मैं 4 जगह बदल डाले और 200 रुपए में कोई अपन घर देवर कोई तैयार नहीं हुई। मैडम अपन सहायिका और मैं दोनों मिल के हमन ना अपन 100-100 रुपया डाल के हमन संचालित कर रहे थे आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हुआ है। हाँ। यहाँ का जब पहले पुराना आंगनबाड़ी भवन था वो किराए के मकान में संचालित हो रहा था, एकदम जर्जर अवस्था में था। वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2-3 बार लिखित में शिकायत लेके आई थी मेरे पास कि भवन की आवश्यकता है, काफ़ी बच्चे हैं और बरसात में स्थिति खराब रहती है करके। बहुत सारी बदलाव आए हैं। वीडियोग्राफिंग करने से आपका क्या है, एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भी आपने इंटरव्यू लिया था, वार्ड पार्षद का लिया था, पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका सीमो और महिला बाल विकास के जो अधिकारी उच्च अधिकारी उनसे भी आपने जाके रूबरू होके ये सारी व्यवस्था के खामियां बताई थी। इससे ही फर्क पड़ा है, चूँकि एक किसी का अधिकृत नहीं है जो मेहनत किए हो। आपकी वीडियो से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर ही लगभग ये सारी व्यवस्थाएँ हुई है। 2013 को मैडम आप मन आ रहे हो जो मैं किराए के भवन में चलात रहे हूँ, बहुत वहाँ टूट फूट रही से ओकरो वीडियो शूटिंग हुए है, तब जाके मोर भवन के चयन हो के तुरंत बंद भी गीस और मैं यहाँ संचालन भी चालू कर डाली हूँ। और अभी जो वार्ड पार्षद दीदी बने हैं रीना रामटेके, ओकर आए से ना और बहुत कुछ उन्नति हुई भाई। वीडियो वाले एंकर के माध्यम से जितने भी लोगों ने यह वीडियो देखा और हमारे समुदाय की मदद किया आंगनबाड़ी भवन निर्माण करने के लिए, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपने वार्ड नंबर 10 के पार्षद मुकेश रामटेके जिन्होंने हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए जगह का चयन किया और हमारे समुदाय की बातों को अधिकारियों तक ले जाने के लिए सहयोग किया। मैं रीना रामटेके, अम्बेडकर चौक वार्ड नंबर 10 जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़, इंडिया अनहद के लिए।